नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारतीया। संसद में अनुच्छेद 370 में बदलाव को लेकर बिल पास तो हो गया है, लेकिन उस पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगनी बाकी है। अनुच्छेद 370 की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले पर सुनवाई की तारीख चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ही तय करेंगे। बता दें कि मोदी सरकार ने धारा 370 में बदलाव के इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके अनुसार इसे असंवैधानिक बताया गया है। आज जस्टिस एनवी रमन्ना ने इस मामले को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने रखने की बात कही है, साथ ही कुछ सवाल भी पूछे हैं। अदालत में जब वकील एमएल शर्मा ने बात रखी कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की बात कर रहा है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान ऐसा करता है तो क्या संयुक्त राष्ट्र धारा 370 में हुए बदलाव पर रोक लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर वकील ने साफ बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस याचिका के अलावा एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की है कि जम्मू कश्मीर में लगे कर्फ्यू को तुरंत हटाया जाए। बता दें कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में धारा 144 लागू की है। इसके अलावा सुरक्षा बलों की तैनाती भी कई जगहों पर की गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।